शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आप 9 बजे तक आ जाएंगी मम्मा, मुझे भूख लगी और फिर कॉलेज भी जाना है। रेवा, इतनी बड़ी हो गई हो, दो पराठे तो बना सकती हो ना? आटा ऑलरेडी गूंद के रखा हुआ है किचन में। तुम्हारी माँ नया नौकर लेके आई है, उसे कहो पराठा बनाएगा। वो अपने पंडित जी है ना, उनका दूर का रिश्तेदार है। इसका नाम शरद है, इसको काम की जरूरत थी तो मैंने तुम्हारे पापा से बात करके इसको यहाँ ले आई। मुझे भी हेल्प हो जाएगा ना, इतने कम पैसे में भला नौकर मिलता है क्या? कैसी बातें कर रही हो मम्मा, सुन रहा है वो आप ही ना? बेटा वो सुन नहीं सकता, गूंगा और बहरा है। सरिता जरा रूम में आओ तो। हाँ हाँ जाइए जाइए, पर याद रखिए मुझे कॉलेज जाना है, लेट हो रहा है, नाश्ता चाहिए। ये लो, दो चाय बना देना, किचन उधर है। आप भी ना कुछ नहीं देखते हैं कि कौन खड़ा है। बच्चे भी थे वहां पर। ये क्या कर रहे हैं, अभी तो मंदिर से आए। अरे भगवान को साक्षी मानकर हम लोगों ने शादी की है, तो इसमें भगवान को तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना? नहीं, लिपस्टिक है मेरी, खराब हो जाएगी। और यू नो साड़ी का पल्लू भी बड़ी मुश्किल से सेट किया। तुम भगवान के लिए सस्ती सवरती है, मेरे लिए दरवाजा तो बंद कर लो। अरे कोई नहीं आएगा, अरे अपने कमरे में। शरद तो है, भूल गए क्या? भूल नहीं सकता है पर देख तो सकता है ना। तुम ये अलग मुसीबत घर में ले आई हो।
अच्छे से ठीक ही आया होगा मीम साहब, वैसे भी ये चौथी बार है और मुझे देर हो रही है। अग्रवाल क्या, तो देर नहीं होती है तुझे, बड़े बहाने बना रही है। चल जाना है तो जा। अच्छा सुन, जाने से पहले जरा देख रेवा ने जूस पिया कि नहीं। जी मीम साहब। दिन भर फोन पे चिपके हुए रहते हो, खाना खा लो उसके बाद लेना। क्या है, कितनी बार कहा है तुमसे कि मेरे फोन से हाथ मत लगाना, एक बार में बात समझ में नहीं आती है? ये फोन मैं तुम्हारी तरह रील्स और वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता, काम होता है इस पे, बिजनेस करता हूं मैं। इस घर में पैसे आते हैं जिससे तुम ये महंगी महंगी साड़ी और ज्वेलरी पहन सको, समझे तुम? खाना खाना। ए लड़के, मेरा ड्रिंक रेडी कर।
तुम्हारा? हाँ, ऐसा क्या है तुम्हारे फोन में? छुपा कह रहे हो तुम मुझसे? अपना फोन दिखाओ। पागल हो गई हो तुम? बकवास बंद करो, दिमाग खराब करके रख दिया है। एक तो वैसे काम का इतना टेंशन, ऊपर से तुम्हारा नाटक। तुम मेरा फोन चेक कर सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारा फोन चेक नहीं कर सकती हूँ? ऐसा क्या है तुम्हारे फोन में? कहीं तुम मेरे पीठ पीछे कुछ कर तो नहीं रहे हो ना? फोन दिखाओ, फोन दिखाओ। चक्कर चक्कर चक्कर, कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई तुम्हारी? प्राइवेसी के बारे में जानती हो ना? पापा, क्या कर रहे हो आप? आपने मम्मा पर हाथ उठाया? मम्मा, 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 जाओ। काम ठीक से नहीं कर सकता, पता नहीं कहां से उठा के लाइए तुझे। अडालिंग, अरे बस कुछ नहीं, बस तुम्हें मिस कर रहा था। अच्छा सुनो, वो होटल की बुकिंग हो गई है, मैं तुम्हें डिटेल्स टेक्स्ट करता हूं। अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा घर में बिजी था। और बताओ क्या चल रहा है? मैं भी मिस कर रहा हूं तुम्हें। आई लव यू टू। पैसे वाली पार्टी है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काम हो जाएगा, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। ध्यान दो, पारुल को शक हो गया है तुम्हारे ऊपर। मुझे पैसे चाहिए, गांव भेजें बाबा के पास। पिछले हफ्ते ही तो दिए थे, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। पता है
आवाज बहुत सुरीली है। स्कूल में बेस्ट सिंगिंग का अवार्ड मिला था। सोचो अगर तुम्हारे घर वालों को मेरी आवाज सुनाई दे जाए तुम्हारे प्लान का क्या होगा? आ गया ना अपनी औकात पे। जिस काम के लिए लाई हूं ना तुझे उसे पूरा कर, समझा? समय नहीं है मेरे पास। उस चुड़ैल का नाम और नंबर दोनों चाहिए मुझे। उसे सोशल मीडिया पे इस तरीके से फेमस करूंगी ना कि वो याद रखेगी, मेरी जगह लेना चाहती है सरिता की। सरिता चीज क्या है उसे पता चलेगा। मेरे धोखेबाज पति की जिंदगी से इस कदर निकालूंगी ना कि याद रखेगी। तेरा पति प्यार से डार्लिंग बुलाता उसे, इतना तो मैंने बता ही दिया। बाकी उसका असली नाम और नंबर बहुत जल्द मिल जाएगा, बस पैसे तैयार रखना। यार दो दिन बिताए तुम्हारे साथ भी, फिर भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। सीरियसली बहुत मजा आया। अब सुनो मैं तुम्हें दो मिनट में कॉल करता हूँ। उस चुड़ैल का नाम और नंबर दोनों चाहिए मुझे। मम्मा! यही हूँ रूम में। मम्मा, मम्मा वो क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही हो? मम्मा मैंने पापा को रेस्टोरेंट में देखा, वो भी एक लड़की के साथ। तुमने कहा था ना कि तुम्हारी कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस है। हाँ मम्मा आप सुन नहीं रहे हो, मैं कह रही हूँ कि पापा। तुम्हारी कोई गलत फहमी होगी बेटा। पापा रेस्टोरेंट में थे एक औरत के साथ, उसका हाथ पकड़ा हुआ था, मैंने इन्हीं आंखों से देखा है, आप समझ रहे हो ना। लो आ गए पापा। किसके साथ थे आप रेस्टोरेंट में, कौन थी वो बोलिए। क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है? तुम दोनों माँ बेटी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। ये संस्कार दिए तुमने से? बाप का कॉलर पकड़ रही है और तुम अभी अपने कमरे में जाओगी और बैठोगी और आगे से इस घर में मुझे ऊंची आवाज सुनाई ना दे, समझे? लेके जाओ उसे। आओ। मजा आ गया पंकज। एक पैक और, एक पैक मैं बनाता हूँ। अरे पंकज बर्फ तो खत्म हो गई। खत्म हो गई? हाँ मर गया ये लड़का। शरद, शरद। पंकज बह रहा है वो। अरे भूल गया क्या? रुको मैं जाता हूँ।
तुम दूसरी बोतल खोलो। अरे पंकज बैठो तुम, मैं देख कर आता हूं, बैठो तुम। कहाँ झक मार रहा था बे? तुझे बोला था ना कि कमरे के पास में ही रहना, समझ में नहीं आता तेरे को? क्या घूर रहा है बे? क्या घूर रहा है? आंखें नीचे कर, मैंने कहा आंखें नीचे कर और अपनी औकात में रहना, समझा? और अगर तुझे काम नहीं करना है ना, निकल यहां से, अभी भी घूर रहा है। रुक, तेरी चप्पल निकालता हूं साले। घूरते हुए घूर रहा है मुझे। घूरेगा तो मुझे बुला है मेरी रीवा को। हाँ, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। बहुत प्यार करता हूं मैं उससे। अरे पंकज पता नहीं आने वाला कोई भी नहीं है। मैंने तुम्हारे उस जालिम बाप को मार दिया। हमारे पापा मिस्टर पंकज और मिस्टर हरीश वर्मा के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। मौके वारदात पर हमें आपके घर का नौकर ये शरद वहां मिला, जिसके हाथ में वही चाकू था जो इसने हमले में यूज किया, इसलिए हम इसे अरेस्ट कर रहे हैं। अच्छा हुआ आपने कॉल करके हमें बुला लिया, वरना आपकी भी जान जा सकती थी। कत्ल करके भागने का इरादा तो इसी का था। ये चुड़ैल के पास जाने वाला था और मैं अपनी रेवा को रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने उसे मार दिया। तुम तो गूंगे थे ना। कांस्टेबल एम्बुलेंस को फोन करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मुझे नहीं पता था कि शरद मेरे पति को मार डालेगा, पर जिस तरह से शरद रेवा में उलझता गया, अंजाम तो यही होना था। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। इस शरद ने तो सारा का सारा काम ही आसान कर दिया। मुझे मेरे घटिया पति से छुटकारा मिला ही, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अब मेरी।